व्यक्ति क्या करता था, तभी सुजानगढ़ और चूरू के किसान के बेटे आज से 20-25 साल पहले भी हनुमान परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दोनों हाथों से प्रयास करते थे और किसानों का आशीर्वाद से 20 साल पहले राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। और उस समय सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहा तो छेकावटी के किसान का बेटों का रहा। इस इलाके से कोई मैं ऐसा नहीं कहा चुप रही, आज से पहले भी कई अपराधिक घटनाएं इस इलाके में घटी, जब जब किसान के बेटों के सीने पर गोलियां चली, अपराधियों का विरोध किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने इस राजस्थान को बेमुख अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के सबसे पहले प्रयास किया और आपको बेमुख अपराध मुक्त राजस्थान दिया। भाइयों, अपने लिए तो सब कोई लड़ते हनुमान बनीवाल नंबर 2-3 की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जब किसान आंदोलन चला, तीनों कृषि बिल दिल्ली की सरकार लाई, मैं एनडीए के अंदर सहयोगी भी था, आपके यहाँ भी भाजपा के एमपी को जिताने के अंदर हनुमान बेनीवाल का बड़ा योगदान था। मुझे एक जगह बीजेपी ने वोट दिए और मैंने 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर डलवाई। बीजेपी के कई नेता बयान देते कि हनुमान जी तो हमारे सारे से जीते थे, मैंने तो तुमसे 2.5 लाख वोट लिए थे और बदले में 27 लाख से लेकर 30 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के मिले। लेकिन जब आवश्यकता पड़ी दिल्ली के अंदर पूरे देश की नजर थी, मेरे सामने दो ही रस्ते थे, या तो मैं सत्ता की प्रयोजन थाली को छीन लेता और यह थाली को ठोकर मार के मेरे भाइयों के साथ इन किसानों की मदद करता। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता की परोक्ष थाली को ठोकर मार के अपने भाइयों का साथ दिया और सड़क पर बैठ गया और 70 साल के अंदर पहली बार उस साझा पर हाईवे को जाम किया। तो 70 साल में कभी हाईवे जाम नहीं हुआ और 2.5 महीने से सड़क पर भी बैठा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आपने देखा होगा कांग्रेस सरकार को छपने के लिए 2-3 दिन किसान की बात करके बैठ गई, लेकिन हनुमान बेनीवाल 25 तारीख तक लोकसभा चली थी, उसमें सबसे ज्यादा बार अगर किसानों का किसी ने नाम लिया और तीनों किसान मिलों को वापिस जाने की बात की और प्रधानमंत्री को चुनौती दी। प्रधानमंत्री जी 14 और 19 के अंदर जिन किसानों ने सत्ता के शिखर पर आपको बिठाया, आप इनसे पंगा मत लो, ये किसान थकने वाले नहीं है। 1000 साल तक दिल्ली के चारों तरफ किसानों में लड़ाई लड़ी है, आपको विपक्ष में बिठा देंगे और प्रधानमंत्री किसी और को बढ़ा देंगे, आप तीनों बिल वापिस लो। ये उतार अगर किसी ने भरी तो आपके भाई ने दिल्ली के अंदर उतार भरी और अपनी कई हुई बात निभाई। या जो वीर तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले अपना वचन निभाया, गुजरी की गाय लाए और अपने प्राण बचाव करके हमारे समाज के साथ साथ किसान को उनका नाम ऊंचा किया और सच्चे देश भक्त के लाए, उन्हीं के रस्ते पे चलते आपके भाई ने अपना वादा निभाया। जब राजस्थान की धरती पे किसान तकलीफ में था, जवान आत्महत्याएं कर रहा था, अपराध सर चढ़ के बोल रहा था, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, तब हनुमान बेनीवाल ने नागौर की धरती से उतार पड़ी कि मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, संपूर्ण कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, बेरोजगारी भत्ता दिलाऊंगा और छोटे भाइयों को नौकरी दिलाऊंगा और अपराधियों को सलाखों के पीछे चलाऊंगा। भाइयों, नागौर के हुंकार के बाद बाड़मेर और जब बीकानेर पहुंचा तो बीकानेर की हुंकार के बाद राजस्थान की सरकार 1 फुट पर आ गई, 50,000 का कर्जा माफ किया, 50,000 नौजवानों के नई नौकरी बजट में निकाली, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 उत्पाद की बिजली भी उस जितनी वसुंधरा से हनुमान बेनीवाल की हुंकार ने और नौजवानों किसानों की हुंकार ने वापस कराए। फिर सीकर की रैली के बाद राजधानी पहुंचे, हमारा मकसद कोई सत्ता हासिल करना नहीं था, हमारा मकसद था कि हमारे भाइयों को न्याय मिले। दिल्ली के अंदर 17 साल में धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है, तो हमने कहा कि राजस्थान के किसानों का भी 82,000 करोड़ का संपूर्ण कर्जा माफ करो। तो कांग्रेस जो पार्टी भाइयों ये कुछ कई लोग कहते थे, हमारे विरोधी भी कहते थे, कई मेरे मीडिया के साथ भी पूछते थे कि पार्टी बना को देंगे,
राजस्थान में कभी पार्टी बड़ी नहीं है, तो बढ़ के कोई लड़ा नहीं। मैं कहा पार्टी भी बढ़ेगी, लड़ाई भी लड़ेंगे। और भाइयों जो आपको पता है कि दो नेता राजस्थान के अंदर कुछ पानी पी पी के गाड़ी देते थे, जो लोग मेरे साथ तीसरा मोर्चा बनाने की बात करते थे, वो मुझे बीच रस्ते के अंदर छोड़ के जंग के मैदान से वापस चले गए। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हिम्मत नहीं हारी, मुझे भरोसा था मेरे छोटे भाइयों पे, मुझे भरोसा था किसानों पे, मुझे भरोसा था दलितों पर, पंचों पे, मुझे आशीर्वाद देंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। और भाइयों ने पार्टी भी बनाई, सत्ता उम्मीदवार भी लड़ाए और 9 लाख के करीब वोट राजस्थान के अंदर लिए और मेरे किसान के बेटों की संख्या भी विधानसभा में बढ़ाई। और जो बदमाशी कर रहे थे उनकी संख्या विधानसभा में घटा के बहुत नीचे ले आया। ये हनुमान बेनीवाल का संघर्ष था। लोकसभा के चुनाव के अंदर मैंने पूछा मुझे क्या करना है, मैं प्रधानमंत्री का दावेदार ने कहा, आप सबने कहा कि राजस्थान के अंदर आपको भाजपा से गठबंधन करना है, तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया और एक शर्त रखी। मैंने कहा बीजेपी से गठबंधन जरूर कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी पहले के अंदर वसुंधरा ने निर्णय किए मैं करूंगा गठबंधन, तो वसुंधरा को बाहर निकाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गठबंधन किया। ऐसा जल्दी नेता आपको राजस्थान और देश के अंदर नहीं मिलेगा। तो चलते चलते आपके मन की भांप लेता है, तो चलते चलते आपके लिए अपना करियर नाम को लगा देता है। भाइयों इस उदाहरण के अंदर नायक समाज का भी बड़ा लेबर समाज के बाद सब जगह में वोट नायक समाज भावी समाज की बहुत बड़ी संख्या, अर्जन समाज की संख्या, लेगर समाज भी है, खड़ी समाज भी है, आदि शिविर का लेबरों के बाद आदि आबादी दूसरी जातियों के, इनको भी मौका मिलना चाहिए। मैंने कहा जितनी भी हमारी ऐसी कल्चर कितने वर्ग के अंदर उस तबके के में जितनी भी शोषित पीड़ित जाति उनको सत्ता के अंदर आने का मौका मिलना चाहिए। मेहमान परिवार समझ समझ में बात करके सीताराम जी नाई को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया। और मुझे तो पूरा पता कि नाई समाज के लोग जब बीजेपी का टिकट मांगने गए तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आपके पास 7,000 रुपया बीजेपी तो असी में बनी थी, असी से पहले वोट के लोगों को कांग्रेस को डालने का बीजेपी अस्सी बीजेपी का इतिहास 40 साल का, तो कांग्रेस का 70 साल से ज्यादा का इतिहास। भाइयों दोनों पार्टियों ने राजस्थान को धमके लूटा है। 22 साल के अंदर वसुंधरा गहलोत का इससे बड़ा गठबंधन क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वसुंधरा का बंगला खाली कराओ और अशोक गहलोत नया कानून बना के ले जाते हैं तो वसुंधरा को बंगला खाली नहीं करूंगा, वसुंधरा तो मेरे सामने वाले बंगले में लगी थी। जब गहलोत की सरकार गिरती है हम सरकार गिरा रहे हमने कोई बात छूट के नहीं की, तब 20 विधायकों का समर्थन वसुंधरा राजे अशोक गहलोत को देते, अशोक गहलोत को संजीवनी देने का काम करती रहती है। ये मिला जुली का खेल इसलिए वसुंधरा राजे जो घोटाले किए थे गहलोत ने उन पर पर्दा डाला और गहलोत के घोटालों पर वसुंधरा ने पर्दा डाला। ये एक दूसरे के पूरक है। 2023 की जो लड़ाई है भाइयों एक टेलर है, तीनों चुनाव के बाद चौथा उपचुनाव होगा राजस्थान के अंदर, उसकी तारीख निर्धारित ऐलान होनी थी लेकिन किसी कारणवश उस उपचुनाव की तारीख बाद में आएगी। इन 4 उपचुनाव के अंदर अगर आपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा दिया तो राजस्थान आजाद हो जाएगा। और सबक सिखाने के लिए आपको मतदान करना है, किसी को पूछना नहीं है। कांग्रेस को भी परखा है, भारतीय जनता पार्टी को भी परखा है। आपके भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दिल्ली में लोगों ने कुछ किया, राजस्थान की राजनीति के अंदर भी चूरू के अंदर हमेशा चूरू के मंत्री रहे, लेकिन वो सुजानगढ़ के खेत अभी भी प्यास है। सुजानगढ़ के खेतों के अंदर सिंचाई का पानी कैसे पहुंचे, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना सावा की जो अधूरी योजना यहाँ सुजानगढ़ तक पहुंचे, नागौर की धरती पर प्रत्येक खेत पर सिंचाई का पानी पहुंचे, शेखावटी के प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचे, हमारे नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। अब आप अगर चाहो तो परिवर्तन कर सकते हो। लोग मुझे भी कहते हैं कि आपने 20 साल खराब कर दिए, जवानी निकल जाएगी,
बुढ़ापा विभाग में लेकर क्या कर लोगे? तो मैं उनको कहता हूँ भाइयों, में तो भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलता हूँ। भगत सिंह को पूछा कि आपको फांसी हो जाएगी, तब उन्होंने कहा कि बेशक मुझे फांसी हो जाए, इस बात से मुझे गम नहीं, लेकिन मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर उन बड़े बड़े नेता जो मिलते नहीं थे उनको गली मोहल्लों के अंदर घुमाना सिखा दिया और नेताओं को गलियां दिखा दी और नेताओं को टाणिया और गांव दिखा दिए। ये मेरे संगत का ही परिणाम है। लोग कांग्रेस के लोगों को पूछ लो तो एक ही बात कहेंगे, अरे बीजेपी चले आ जाए, लेकिन हर भी नहीं रहेगी। और बीजेपी लोग पूछे तो अरे क्या छोड़ो यार, नहीं आने बिठाने कांग्रेस। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में एक नाम पर सवार कर दिया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेरे जवानों की, मेरे छोटे भाइयों की और किसानों का आशीर्वाद भूटान का परिणाम था। मुझे पूरा भरोसा है कि सुजानगढ़ चारों और राजसमंद के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों पार्टियों को बड़ी टक्कर देगी, बड़ी चुनौती देगी और तीनों सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। ऐसा नौजवानों का उदाहरण आ रहा है चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं आज नागौर से निकला या पहुंचने में मुझे 3 घंटे लगे हर गांव के माध्यम भी रस्ते के अंदर स्वागत करने के लिए। महाराष्ट्र के नौजवान और किसान तैयार थे, एक ही बात कह रहे थे हनुमान जी प्रत्येक गांव के अंदर एक बार आप आ जाना। और मैं आपको विश्वास दिलाता सुधारगढ़ विधानसभा क्षेत्र कोशिश तो प्रत्येक गाँव में करूंगा, लेकिन प्रत्येक पंचायत मुख्यालय हनुमान बनीवाल जरूर आएगा। कोशिश सुधारगढ़ को एक नया परिवर्तन दादाजी धरती से करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जब विधानसभा के अंदर रैली थी मैं कह के गया था कि ताल छापर का जो हमारा अभियान इसे राज्य अभियान घोषित करने की मांग हम करेंगे और यहाँ बड़ा एलिवेटेड और पुल बन के रोड बने ताकि हमारे हजारों चिंता और काले हिरन जो राष्ट्रीय अभियान इसको घोषित करें रोज दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा बजट है तो राजस्थान की सरकार नहीं ला सकती। तो मैंने लोकसभा के इस मामले को उठाया, मैंने सिंचाई के मामले उठाए, मैंने आपके यहाँ जो मेरी पार्टी के विधायकों ने एक प्रमुख मुद्दा था यहाँ का ये गुड़ावरी सालासर शोभा सर महाराज जी का जो मुआवजे का मामला था ये आरएलपी विधायकों ने विधानसभा के अंदर उठाया। और भाइयों इलेक्ट्रिक रूप से विद्युत विभाग जो मिले राजस्थान है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव के दौरान जितनी भी सीट भरी है मैं कैंप कर लूंगा, एक दिन इस क्षेत्र की सारी सीटें मेरे पास लेके आ जाना, सारी सीटों को फाड़ के फेंक देगा। एक सीट भी ई चालान के